दोस्तों कैसे दूसरे वनडे मैच में मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की अविश्वसनीय गेंदबाजी से श्रीलंकाई बल्लेबाजों के पर खच्चे उड़ गए और एक के बाद एक विकेट लेकर सभी भारतीयों को झूमने पर मजबूर कर दिया। तो आखिर भारत की पूरी गेंदबाजी वीडियो में तो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी कुलदीप यादव के फैन हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों आखिरकार भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर शुरू हुआ और एक बार फिर से श्रीलंकाई कप्तान दसुन सनाका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका की टीम हो सकता है कि इस नरम पिच पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारत के खिलाफ 300-400 रन बना दे, लेकिन ऐसा कुछ हमारे गेंदबाजों ने करने नहीं दिया, क्योंकि जब श्रीलंका की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए अविष्का फर्नैडो और नुवानिदु फर्नैडो मैदान पर उतरे तो दोनों बल्लेबाजों के बीच साझेदारी अच्छी सी पनप गई थी और यहां पर 29 रन दोनों ने मिलकर बना लिए थे। लेकिन पहला बड़ा झटका मोहम्मद सिराज ने दिया जब अविष्का फर्नैडो 17 गेंदों में 20 रन बनाकर ही आउट हो गए और अविष्का के आउट होते के साथ ही पूरी पारियां बिखर गई, क्योंकि श्रीलंका का कोई भी खिलाड़ी अब आगे आने वाले नंबरों पर टिककर बल्लेबाजी कर ही नहीं पा रहा था। जी हां दोस्तों, नुवानिदु फर्नैडो तो भले ही एक जगह पर टिककर अपना अर्धशतक पूरा कर पाए, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ कुशल मेंडिस ने 34 गेंदों में 34 रनों की पारी खेली और उनको कुलदीप यादव ने LBW आउट किया, जैसे कि आप सब यहां पर देख भी सकते हो। और कुशल मेंडिस इस एम्पायर के फैसले से नाखुश थे, लेकिन दोस्तों फिर भी उनको आउट करार दिया गया क्योंकि ये एम्पायर्स कॉल थी। और दोस्तों कुशल मेंडिस के आउट हो जाने के बाद उतरे धनंजय डी सिल्वा भी कुछ ज्यादा खास कमाल कर नहीं पाए और अक्षर पटेल की पहली ओवर की पहली ही गेंद पर वो अपना विकेट गंवा बैठे, जहां अक्षर पटेल ने धनंजय डी सिल्वा को 0 रन पर ही पवेलियन भेजा और अब श्रीलंका की टीम के 3 बड़े विकेट 103 रन के कुल स्कोर पर ही गिर चुके थे। भारत की टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई थी। अब श्रीलंका को एक अच्छी पारी की जरूरत थी, लेकिन दोस्तों यहां पर चरित असालंका और नुवानिदु फर्नैडो टिके तो हुए थे, लेकिन दोस्तों किसी को क्या ही पता था कि नुवानिदु फर्नैडो शुभमन गिल के हाथों अपने जैसे ही अर्धशतक पूरा करेंगे तो रन आउट हो जाएंगे और यहां पर वो 63 गेंदों में 50 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौटे। हालांकि दोस्तों नुवानिदु के आउट हो जाने के बाद फिर मैदान पर उतरे उनके कप्तान दसुन सनाका, जहां दसुन सनाका और चरित असालंका के बीच साझेदारी आगे बढ़ती, उससे पहले ही चरित असालंका को यहां कुलदीप यादव ने पारी के 25वें ओवर की दूसरी गेंद पर फंसाया, जो कि कॉट एंड बोल्ड आउट हुए और 15 रन पर ही पवेलियन लौटे। और वहीं दोस्तों फिर कुलदीप यादव ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान दसुन सनाका को भी बोल्ड आउट कर दिया, जो कि 4 गेंदों में मात्र 2 रन ही बना पाए। और दोस्तों इसी के साथ श्रीलंका के 6 बड़े विकेट मात्र 126 रन के कुल स्कोर पर ही गिर चुके थे और कुलदीप यादव की घातक गेंदबाजी के आगे श्रीलंका का कोई भी बल्लेबाज टिक ही नहीं पाया। और दोस्तों यहां पर कुलदीप यादव ने 5 ओवर फेंकते हुए 20 रन देकर 3 विकेट हासिल किए थे। हालांकि आप सब यहां पर देख भी सकते हो। बाकी अब आप सभी की क्या राय है कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी को देखने के बाद और आप उनकी गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।